नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर को अभी मंत्री बने कुछ ही दिन हुए हैं कि उनके बयान फिर से सुर्खियां बटोरने लगे हैं। दरअसल बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने एक पत्रकार पर उस समय भड़क गए जब उसने पीले गमछे वाले बयान पर सवाल किया, जिसके बाद ओपी राजभर ने नाराजगी जताते हुए पत्रकार को समाजवादी पार्टी का एजेंट तक कह डाला। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मंत्री ओपी राजभर ने खुद को गब्बर सिंह बताया था और कहा था कि प्रदेश के किसी भी थाने में पीला गमछा डालकर चले जाना। चलिए आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर प्रकाश राजभर के पास है। कहीं भी आपकी कोई समस्या हो, हम आपको अपना पावर, हम आपको पावर देते हैं। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजा बाजार में मिले। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। सवाल करने से पहले सुना करो, बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है, आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो, नहीं आप उसको झंडा बता रहे हो, क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ, ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए, क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पर पूछो।